मैं सुशील कुमार, जो हाल ही में भी धर्म परिवर्तन किया था। पहले मोम सलीम नाम था। जब इन्होंने 15 साल पहले मेरा धर्म बदलवा था, उस टाइम बच्चे था, इन्होंने मेरी ज़िंदगी का खिलवाड़ इस तरह खराब करी, ज़िंदगी के हर चैक सुख चैन सब छीन लिए इन लोगों ने। सिर्फ इन लोगों के अंदर जात भरा है और इन लोगों के अंदर कुछ नहीं है। मुझे मुसलमान बनाया, मैं इस्तेमाल किया, काम कराया, शादी करा दी। शादी कराने के बाद ये नरक वाली ज़िंदगी हमने 10-12 साल गुजारी, 30 साल में गुजारी, उसे गुजारी, वो अपने दिल पर पत्थर रख के गुजारी। 10-12 साल के बाद हमने घर वालों का देखो, मैं ऐसा हो चुकी, घर वालों को पहले से ही पता था कि मैं हिंदू था, उसको पता था, उसके परिवार वालों को, हर आदमी को पता था इस चीज़ के बारे में कि मैं हिंदू हूँ। घर वाले ने बोला आप अपने धर्म में चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं तो आपके बच्चे आपके पास से कभी जुदा नहीं करूँगा। मैंने अपने धर्म में वापसी आ गए, क्योंकि मेरा दिल शुरू से ही अपने धर्म का था, मजबूर था इन लोगों की तरफ से, कभी आवाज़ नहीं उठाने दी इन लोगों ने। तो आज जब आवाज़ उठाई तो घर वाली खुद मेरी दुश्मन बन गई, उसके बाप, उसकी माँ, उसके बहन बनोई, सब मेरे दुश्मन बन गए। बच्चे मेरे से दूर ले गए झारखंड रामगढ़ कैंट कोरी टोला में, उसके बाप है जो आज अपनी इज्जत दार होने का दावा कर रहा, जिसकी जो इज्जत है दिल से हो, लेकिन उसने मेरी ज़िंदगी का खिलवाड़ मेरे बच्चे मेरे से दूर कर दिए। अब दोबारा दबाव बना दिया मेरे पर, प्रेशर डाल दिया, कहना तेरे बच्चों को मार देंगे, वो कर देंगे, अगर तो दोबारा मुसलमान ना बना, अगर तुम्हें मारने है तो मारो, अब अगर तुम्हें मारने हैं तो मारो, मैं अपने धर्म में ही मरूंगा, तुम्हें जो मारना मारो, मैं मरने के लिए अब तैयार हूँ, मैं अब नहीं झुकूंगा इन सामने। खुद औरत मेरी दुश्मन बन गई, मेरे बच्चे मुझसे जुदा कर दिए। 7 दिन मैं अपने बच्चों के पास आया मिला, इनके कहने के बाद मैं अपनी जान दांव पे लगा के इनके घर रहा 7 दिन तक, ये मेरे साथ क्या कर, मारना मारो, मैं मरने के लिए अब तैयार हूँ, मैं अब नहीं झुकूंगा इन सामने। खुद औरत मेरी दुश्मन बन गई, मेरे बच्चे मुझसे जुदा कर दिए। 7 दिन मैं अपने बच्चों के पास आया मिला, इनके कहने के बाद मैं अपनी जान दांव पे लगा के इनके घर रहा 7 दिन तक, ये मेरे साथ क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, बहुत गंदा खिलवाड़ इन लोगों ने मेरे साथ कर दिया, मेरे बच्चों के साथ। ये कल को मेरे बच्चों को जिहादी बनाएंगे, कोई अच्छी शिक्षा नहीं मेरे बच्चों को दे। मैं चाहता हूँ मेरे मरने के बाद हिंदू समाज से मेरी गुजारिश है, क्योंकि मैं अब इस ज़िंदगी से नहीं जीना चाहता। अगर हिंदुओं में कुछ मान मिल जाए तो मेरे बच्चों की रक्षा करे, मेरे बच्चों को यहाँ से निकाल के उन्हें अच्छी परवरिश दे। मेरे पास एक मकान है और बल्कि मेरे पास कुछ नहीं है, जो मैं मकान चाहता हूँ वो मेरा मकान मेरे घरवाले को मेरे मरने के बाद बिल्कुल ना मिले। फिर मेरे पास एक मकान है, जो अगर मेरे बच्चे अच्छे अच्छे धर्म में अच्छे उसमें समाज में रहते हैं तो उनका दे दिया जाए, अगर नहीं रहते नहीं आते तो मेरा मकान अनाथ आश्रम के बच्चों को दे दिया जाए, क्योंकि मैं अब किसी भी टाइम मर सकता हूँ, मेरी इच्छा जीने की ख़त्म हो चुकी है। किस टाइम क्या होगा मेरे साथ मैं खुद नहीं जानता। मेरे मरने बाद मेरी बीवी का हक बिल्कुल किसी चीज़ पर नहीं होगा, क्योंकि उसने जीते जी सब हक ख़त्म कर दिया।